इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर के अपकमिंग रोम कॉम में सुनील शेट्टी भी नजर आएंगे। खबर है कि सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को साइन कर लिया है और वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि अभी तक उनके रोल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द उनके इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की न्यूज को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। ईरा खान और नूपुर शिखरे के वाओ एक्सचेंज सेरेमनी की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन ड्रीमी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। आमिर खान अपनी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता के साथ अपनी बेटी को आइल पर लेकर आते नजर आए। ईरा लुक्स गॉर्जियस इन अ व्हाइट गाउन होल्डिंग अ बंच ऑफ व्हाइट फ्लावर्स इन हर हैंड। श्री राम राघवन ने बताया कि उन्होंने फिल्म मैरी क्रिसमस के लिए विजय सेतुपति से पहले कई बॉलीवुड स्टार्स को अप्रोच किया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इस फिल्म के लिए विजय को साइन किया। He said, "Many years back, I narrated the basic idea of Merry Christmas to Varun Dhawan. He was too busy back then, and I cast him in 21, so I started looking out for other actors. I didn't want to repeat actors specifically for Merry Christmas." आपको बता दें कि ये एक फिल्म है और फैंस को इससे काफी उम्मीदें हैं। अनुराग बसु की अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को सितंबर 13, 2024 कर दिया गया है। ये फिल्म 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है और इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, अली फजल और फातिमा सना शेख नजर आएंगे।